हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे कक्षा 4 की हिंदी की कार्यपत्रक जो सप्ताह 11 की है, और इसमें हम करेंगे विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। देखिए, दृश्य वर्णन में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यह एक बच्चे के जन्मदिन के दिन का चित्र है, रीत का जन्मदिन। पढ़ते हैं इस पैसेज को, इस गद्य को पढ़ते हैं हम। रीत का जन्मदिन है। रीत के जन्मदिन पर बहुत सारे लोग आए हैं। सभी ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। रीत के लिए प्यारे प्यारे उपहार भी लाए हैं। घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। केक बहुत स्वादिष्ट है। उसके पापा ने उसे लाल रंग की गुड़िया दी है। अब देखिए प्रश्न एक, उपर्युक्त वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे लाइन है उनको नीचे लिखो। तो इन वाक्यों में जिनके नीचे लाइन थी वो हैं बहुत सारे, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, स्वादिष्ट, रंग बिरंगे और लाल रंग। ऊपर लिखे हुए रंग बिरंगे शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, ये जितने भी शब्द हैं ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, और इन्हीं विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो ये बताते हैं कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम कैसा है, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न दो देखिए, नीचे लिखे हुए वाक्य में से विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखो। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, हम इनमें से विशेषण छांटते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण है तेज। हम बताते हैं कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। लता अच्छा गाती है, लता कैसा गाती है, अच्छा गाती है, तो अच्छा यहाँ पे विशेषता होगी। काले बादल आसमान में छाए हैं, बादल कैसे हैं, काले, तो काले विशेषण होगा। राम के पास 5 खिलौने हैं, कितने खिलौने हैं, 5, तो 5 यहाँ पर विशेषता बता रहा है खिलौनों की। आम रसीला है, आम कैसा है, रसीला, यानी रसीला शब्द आम की विशेषता बता रहा है। प्रश्न 3 देखते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो। अब आपको इन वाक्यों से इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। क, बच्चा छोटा है। ख, कमल का फूल सुंदर है, कमल का फूल सुंदर होता है। ग, देखिए यह बिस्कुट चौकोर, यह बिस्कुट चौकोर है। नींबू खट्टा, नींबू खट्टा होता है। वह बहुत चतुर है। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मिलान करो। हमें यहाँ पर इन शब्दों को इनसे सही सही मिलान करना है। जैसे लंबा पेड़, हरा पत्ता, ऊंचा क्या हो सकता है, पर्वत, वीर कौन होता है, सैनिक होता है, कड़वा क्या होता है, करेला, और 2 मीटर क्या ले सकते हैं, कपड़ा। ये हमने इन शब्दों को मिला दिया है। बच्चों, यहाँ हमारी कार्यपत्रक समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।